हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं कमर्शियल लॉ। कमर्शियल लॉ में आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज पेमेंट एंड प्लेज। ये लेसन हम दो वीडियोस में कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, व्हाट इज बेलमेंट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बेलमेंट होती क्या है। बेलमेंट जो है फ्रेंच वर्ड बेलर से ड्राइव किया गया है, ठीक है। इसका मतलब है टू डिलीवर, ठीक है, किसी को गुड्स डिलीवर करना। तो बेलमेंट का मतलब है कि किसी पर्पस के लिए, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए एक पर्सन के द्वारा किसी दूसरे पर्सन को गुड्स की डिलीवरी देना, और वो जो गुड्स है जब पर्पस पूरा हो जाएगा तो उसे वापस करना। दिस इज नोन एज पेमेंट। पॉइंट क्लियर। जैसे एग्जाम्स चल रहे हैं तो टीचर जो है स्टूडेंट को, टीचर क्या कर रहा है, स्टूडेंट्स को गुड्स बुक्स दे रहा है, ठीक है। किसको दे रहा है, स्टूडेंट्स को बुक्स दे रहा है। किस लिए, एग्जाम्स के लिए। जैसे एग्जाम्स पूरे खत्म हुए तो वो स्टूडेंट जो है टीचर को बुक्स वापस करेगा, तो इट इज कॉल्ड बेलमेंट। बेलमेंट क्या है, जिसमें एक पर्सन गुड्स डिलीवर करता है जस्ट फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस टू अनदर पर्सन, और जब वो पर्पस पूरा होता है तो वो सेकंड पर्सन क्या करता है, उन गुड्स को वापस करता है। क्लियर है। अब जो पर्सन गुड्स डिलीवर कर रहा है ही इज नोन एज बेलर, और जिसको गुड्स डिलीवर की जाती है ही इज नोन एज, ही और शी इज नोन एज बेली, ठीक है। जो पर्सन गुड्स डिलीवर करता है वो बेलर है, जिसको गुड्स दी जाती हैं उसे बेली कहा जाता है। जैसे किसी को हॉर्स राइडिंग के लिए देना, जैसे स्कूटर यूज करने के लिए देना, जैसे सूट ड्राई क्लीन करने के लिए देना, जैसे वॉच रिपेयर करने के लिए देना, ये बेलमेंट के एग्जांपल है। किसी पर्पस के लिए किसी दूसरे पर्सन को गुड्स की डिलीवरी देना। पॉइंट क्लियर। हाँ जी, इसमें डिलीवरी ऑफ गुड्स, डिलीवरी ऑफ गुड्स का मतलब है चेंज ऑफ पोजेशन। चेंज ऑफ पोजेशन होना जरूरी है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अगर पोजेशन नहीं होगा तो बेलमेंट भी नहीं होगी। मियर कस्टडी इज नॉट अ डिलीवरी ऑफ द गुड्स। कस्टडी का मतलब क्या है, जैसे एक ऑनर है, ऑनर ने अपने गुड्स जो है सर जो इम्प्लॉई है उसको दे रखी है सेल करने के लिए, तो इसे हम डिलीवरी नहीं कहेंगे, ठीक है। अब जो इम्प्लॉई है वो उसी की शॉप में बैठा हुआ है तो उसके पास जस्ट एक कस्टडी या डिलीवरी भी नहीं है, तो इसे हम डिलीवरी नहीं कहेंगे। इट इज नॉट अ डिलीवरी ऑफ द गुड्स। पॉइंट क्लियर है। तो डिलीवरी होनी बहुत ही जरूरी है। तो एग्जाम्पल है इसमें, सॉरी केस है, काली पर, काली परुमल वर्सेस विशाल काश्मीका। हाँ जी, केस क्या है कि एक लेडी है, उसने एक ज्वेलर को ओल्ड ज्वेलरी दी है कि उसे न्यू में कन्वर्ट कर दे। अब होता क्या है, एवरी इवनिंग वो लेडी क्या करती है, ज्वेलर से ज्वेलरी लेके वही ज्वेलर की शॉप पे एक बॉक्स में रख देती है, और जो बॉक्स की है वो भी उस लेडी के पास है, उसने ज्वेलर को नहीं दी, ठीक है। एक इवनिंग क्या हुआ कि वो जो ज्वेलरी है चोरी हो गई, ठीक है। तो क्या इसके लिए ऑनर है ना, ज्वेलर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि उसने गुड्स की डिलीवरी तो उसे दी नहीं है, ठीक है ना। एवरी इवनिंग वो क्या करती थी, उस ज्वेलर से अपनी ज्वेलरी वापिस लेती थी, यानी रीडिलीवर हो जाती थी। रीडिलीवर का मतलब ये हो गया कि ज्वेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेडी जो है उसको जो है लॉस बेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। पॉइंट क्लियर। तो डिलीवरी होनी बहुत ही जरूरी है। क्लियर है जी। तो इसी तरह से एक केस है, केस क्या है कि अर्जन वर्सेस निकोल्स का केस है, ठीक है जी।
अगर नाम अच्छे से याद हुआ तो ही केस का नाम लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना। तो प्लेंटिफ जो है यहाँ पे, प्लेंटिफ कहाँ पे गया, वो रेस्टोरेंट में गया। रेस्टोरेंट में क्या हुआ, जैसे ही वो डाइनिंग के लिए बैठा तो उसका जो वहां पे इम्प्लॉय था उसने क्या किया, प्लेंटिफ का कोट लेके उतरवा के वहां हुक पे रख दिया। ठीक है, बाद में क्या हुआ, कोट चोरी हो गया। ठीक है, अब जब कोट चोरी हो गया तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, ऑब्वियस है रेस्टोरेंट का ओनर रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उसके इम्प्लॉय ने एक तरह से कोट की डिलीवरी ली, डिलीवरी लेने के बाद वहां पे रख दिया। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, ओनर रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है। डिलीवरी जो है, गुड्स की डिलीवरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक्चुअल भी हो सकती है और कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, एक्चुअल का मतलब है जैसे हमने गुड से हैंड ओवर कर दी, जैसे अभी हमने किया कि कोट हैंड ओवर कर दिया। ठीक है, जो चीज मूवेबल है, जो हम हैंड ओवर कर सकते हैं, वहां पे एक्चुअल डिलीवरी आएगी। अब कार किसी को उठा के तो दे नहीं सकते, वहां पे हम कार की कीज दूसरे पर्सन को देते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। जहां पे चीज की एक्चुअल डिलीवरी क्या होगी, अगर हम कार उठा के पकड़ा रहे हैं वो एक्चुअल डिलीवरी है, पर अगर हम कार की कीज दे रहे हैं वो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है। अगर हम गुड्स डिलीवर कर रहे हैं बाय वैन या किस तरह, वो एक्चुअल डिलीवरी है। अगर हम जहां पे गुड्स पड़ी हैं गोडाउन में उसकी रिसीप्ट दे रहे हैं तो इट मीन्स इट इज अ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। पॉइंट क्लियर? तो डिलीवरी कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है और एक्चुअल भी हो सकती है। जो डिलीवरी ऑफ गुड्स है दैट मस्ट बी फॉर सम पर्पस, किसी पर्पस के लिए होनी चाहिए। अगर डिलीवरी ऑफ गुड्स बिना किसी पर्पस के हैं तो वो वैलिड नहीं होगी, वो बेलमेंट नहीं होगी। अगर डिलीवरी बाय मिस्टेक है इवन देन दैट इज नॉट, ठीक है, उसे भी हम ये नहीं कहेंगे कि वो बेलमेंट है। ठीक है, डिलीवरी ऑफ गुड्स किसी पर्पस के लिए होनी चाहिए, और जब पर्पस पूरा हो जाए तो उसे वापस करना जरूरी है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया, टीचर ने क्या दिया, बुक्स दी हैं स्टूडेंट्स को, किस लिए दी हैं, एग्जाम्स के लिए दी हैं, तो यहाँ पे क्या माना जाएगा, एग्जाम्स क्या हो गया, पर्पस हो गया। ठीक है जी, किसी लेडी ने सूट स्टिच करने के लिए दिए, किसको दिए, टेलर को दिए, यहाँ पे सूट स्टिच करना क्या हो गया, पर्पस हो गया। मतलब गुड्स जो हम डिलीवर कर रहे हैं किसी पर्पस के लिए कर रहे हैं। ठीक है, आपने किसी फंक्शन को मतलब कि अटेंड करना है तो उसके लिए आप जो है ड्रेसेस रेंट पे ले रहे हो, तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया, पर्पस हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि किसी पर्पस के लिए गुड्स की डिलीवरी होनी जरूरी है। नेक्स्ट है कि जिस तरह से एक कॉन्ट्रैक्ट की इशेंशियल्स पूरी होनी चाहिए, उसी तरह से बेलमेंट में भी बाकी सारी इशेंशियल्स पूरी होनी जरूरी है। ठीक है, जब तक इशेंशियल्स नहीं होंगी तो वो वैलिड बेलमेंट नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो अब जैसे माइनर है, माइनर की वही आ गया, इनकम्पिटेंट टू डू द कॉन्ट्रैक्ट है, बट अगर आप माइनर को कोई चीज देते हो, बेल करते हो, देन माइनर जो है पर्सनली लाइबल नहीं होगा, विल नॉट पर्सनली लाइबल। पॉइंट क्लियर है? कहने का मतलब ये है कि बेलमेंट में वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं जो कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं। ठीक है, तो ये बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ भी हो सकती है, बेलमेंट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ भी हो सकती है। ठीक है, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स में भी हो सकती है। ठीक है, इसमें भी हम बेलमेंट ही मानेंगे। पॉइंट क्लियर? अब मैंने कहा कि बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हो सकती है, तो वो कैसे है, जैसे एग्जाम्पल केस दिया हुआ है हमें स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस मेमन मोहम्मद का। ठीक है, हुआ क्या कि सी कस्टम एक्ट के अंडर किसी पर्सन के मोटर व्हीकल्स और गुड्स जो है वो किसने ले ली, स्टेट स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी कस्टडी में ले ली। मोटर व्हीकल्स आ गई और क्या आ गया, कुछ गुड्स आ गई। क्यों
क्यों आके? क्योंकि उसने कोई टैक्स पे नहीं दिया या कस्टम पे नहीं किया। अब यहां पे बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ इन पे बेलमेंट का रूल अप्लाई होता है। ड्यूरिंग द कस्टडी गुड्स वर नॉट केयर्ड, जब उनकी केयर नहीं हुई, खराब होगी, तो यहाँ पे जो पर्सन है वो क्या कर सकता है? केस कर सकता है अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट रिगार्डिंग द रिकवरी ऑफ गुड्स। स्टेट गवर्नमेंट से गुड्स की हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट है मूवेबल गुड्स। जो गुड्स डिलीवर की जाती हैं वो मूवेबल होनी चाहिए, ठीक है जी। डिलीवरी जो है किसकी होनी है? मूवेबल गुड्स की। इमूवेबल गुड्स जो है, ठीक है जी, नॉट इंक्लूडेड हियर। मनी इज नॉट इंक्लूडेड इन मूवेबल गुड्स, ठीक है। अगर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं तो उसे बेलमेंट नहीं कहा जाएगा। प्रॉपर्टी ट्रांसफर को बेलमेंट नहीं कहा जाएगा। पॉइंट क्लियर? तो गुड्स क्या होनी चाहिए? मूवेबल होनी चाहिए। हाँ जी, नेक्स्ट है रिटर्न ऑफ गुड्स। बेलमेंट में जरूरी है कि जो गुड्स हैं वो वापस होनी चाहिए, ठीक है जी। गुड्स का रिटर्न होना बहुत ही जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि गुड्स ओरिजिनल फॉर्म में हो, वो जो है उनकी फॉर्म चेंज भी हो सकती है। कैसे चेंज हो सकती है? जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल बताई थी कि अगर हम टेलर को सूट स्टिच करने के लिए दे रहे हैं तो वहां पे हम लोग दे क्या रहे हैं? उसको क्लोथ दे रहे हैं, और वो हमें क्या कर रहा है? सूट स्टिच करके दे रहा है। तो फॉर्म जो है वो चेंज होगी, बट इसे हम बेलमेंट कहेंगे, ठीक है। इसी तरह हम लोग ज्वेलर को देते हैं, ओल्ड ज्वेलरी दे रहे हैं, ठीक है जी। ओल्ड ज्वेलरी से वो क्या करेगा? न्यू ज्वेलरी बनाएगा, तो वो क्या होगी? ओल्ड से न्यू बनाना, तो वो क्या होगी? फॉर्म चेंज होगी। फॉर्म चेंज होगी पर इसे हम क्या कहेंगे? बेलमेंट कहेंगे, ठीक है जी। पॉइंट क्लियर है? तो बेलमेंट में जरूरी है कि जब पर्पस पूरा हो जाए तो गुड्स को वापस करना है। ओरिजिनल में भी हो सकती है, फॉर्म चेंज करके भी हो सकती है। तीसरा एग्जांपल जो मैं ले रही हूँ, टीचर ने अगर बुक्स दी हैं तो बुक्स स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए दी हैं, अब स्टूडेंट्स पढ़ के उसे वापिस कर रहा है, तो वो उसकी ओरिजिनल फॉर्म में ही करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि फॉर्म, हर एक केस में फॉर्म चेंज होनी जरूरी नहीं है, चेंज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो ये थी इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड बेलमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं काइंड्स ऑफ बेलमेंट। काइंड्स ऑफ बेलमेंट में सबसे पहले आ गया वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी बेलमेंट। वॉलंटरी बेलमेंट वो है जो दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट से अराइज होती है, उसे हम क्या कहते हैं? वॉलंटरी बेलमेंट कहते हैं। इनवॉलंटरी होगी जैसे बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होगी। इसमें आ गया कि जैसे लॉ चेंज हो गया, जैसे अभी हमने एग्जांपल ली थी कि अंडर कस्टम ड्यूटी उसकी गुड्स को सीज कर लिया गया, तो ये आ गया बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। पॉइंट समझ के? अगर जो है वॉलंटरी दी जाती, जैसे हमने अभी ऊपर एग्जांपल लिया, चाहे आप टेलर का ले लो, चाहे आप जेलर का ले लो, चाहे आप टीचर का ले लो, तो ये वॉलंटरी हो गया, ठीक है जी। देन आ गया ग्रेटिट्यूड्स एंड नॉन ग्रेटिट्यूड्स बेलमेंट। अगर जो बेलर गुड्स दे रहा है विदाउट एनी कंसिडरेशन दे रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ग्रेटिट्यूड्स बेलमेंट, ठीक है। टीचर ने बुक्स दी हैं स्टूडेंट्स को रीड करने के लिए ड्यूरिंग एग्जाम्स, फिर वो उसके बाद वापस कर देगा विदाउट एनी कंसिडरेशन दी हैं, तो उसे ग्रेटिट्यूड्स बेलमेंट कहा जाएगा, ठीक है। अगर किसी टैक्सी, ठीक है ना, टैक्सी जो चलाता है, उसने टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी दी है ऑन हायर ऑन वेजेस दी है, तो उसे नॉन ग्रेटिट्यूड्स कहा जाएगा, ठीक है। नॉन ग्रेटिट्यूड जिसमें कुछ कंसिडरेशन होता है, जिसमें नहीं होता उसे ग्रेटिट्यूड कहते हैं, जिसमें कंसिडरेशन होता है उसे नॉन ग्रेटिट्यूड कहा जाता है। यहां कंसिडरेशन है, यहां कंसिडरेशन नहीं है। पॉइंट क्लियर हो गया? तो अगर टैक्सी दी जाती है फॉर वेजेस, तो वो हो गया नॉन ग्रेटिट्यूड हो गया, ठीक है जी।
पॉइंट क्लियर हो गया। देन इसके बाद ये है कि बेलमेंट आगे हो सकती है फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर, कि सिर्फ बेलर के बेनिफिट के लिए, ठीक है, फॉर द बेनिफिट ऑफ बेली, सिर्फ बेली के बेनिफिट के लिए, ठीक है जी, या म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों के बेनिफिट के लिए, म्यूचुअल हो गया दोनों के बेनिफिट्स के लिए। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राइट्स ऑफ बेलर। तो बेलर के क्या क्या राइट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहला राइट है एनफोर्समेंट ऑफ बेलीज ड्यूटी। तो जो बेली की ड्यूटी बनती हैं तो बेलर उसे इन्फोर्स करवा सकता है। इसका मतलब है क्या करवा सकता है वो, कि अगर बेली की नेग्लिजेंस की वजह से किसी तरह के गुड्स की लॉस होती है तो वो कंपनसेशन ले सकता है, क्योंकि बेली की ड्यूटी बनती है ना कि वो नेग्लिजेंस ना करे। अगर वो गुड्स को नेग्लिजेंस करता है, ध्यान नहीं रखता, देन वो कंपनसेशन ले सकता है, ठीक है। या बेली की ड्यूटी बनती है कि अपनी गुड्स में बेलर के गुड्स मिक्स ना करे, अगर वो उनको मिक्स कर देता है देन वो कंपनसेशन ले सकता है। इसके अलावा बेलर अपनी गुड्स को वापस ले सकता है जब वो एक्सपायरी ऑफ पीरियड होता है। एक्सपायरी ऑफ पीरियड मतलब जितनी देर के लिए चीज़ दी है, अगर वो टाइम ख़त्म हो गया तो वो कहेगा मेरी चीज़ वापस कर दो, ठीक है। इसके अलावा अगर उन गुड्स में किसी तरह की एक्रीशन होती है तो वो भी वो डिमांड कर सकता है, क्लेम कर सकता है। हाँ जी, राइट ऑफ टर्मिनेशन। अगर बेलर को ये लगता है कि जो बेली है वो सही काम नहीं कर रहा है, दैट इज़ इनकंसिस्टेंट, कुछ ऐसा कर रहा है जो कि उनकी टर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं है, देन वो अपने गुड्स को वापस ले सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता है। ए ने बी को हॉर्स दिया था राइडिंग के लिए, ठीक है। अब हुआ क्या कि जब वो राइडिंग करते करते उसने उसको कैरीज के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे ए क्या कर सकता है, बेलमेंट को टर्मिनेट कर सकता है। क्या कर सकता है, बेलमेंट को टर्मिनेट करके अपना हॉर्स वापस ले सकता है। रीस्टोरेशन ऑफ गुड्स लेंट जो है ग्रेटुइटली। हुआ क्या कि गुड्स जो है दी गई बेलर ने बेली को दिए, अगर बेलर ने गुड्स बेली को दिए हैं विदाउट कंसिड्रेशन दी हैं, क्या दिया, विदाउट कंसिड्रेशन दी हैं, तो वो कभी भी अपनी गुड्स को वापस ले सकता है, ठीक है। इफ द बेली हैज़ एक्टेड इन मैनर बिफोर स्टिपुलेटेड टाइम लॉस, अगर ये लगता है कि बेलर ने गुड्स वापस की, बेलर ने गुड्स की डिमांड कर ली, इससे बेली को फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा हो रहा है, तो वो गुड्स वापस नहीं करेगा। जैसे ठीक है, एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड को एग्ज़ाम्स के लिए बुक्स दी हैं, ठीक है, विदाउट एनी कंसिड्रेशन दी है। अब हुआ क्या, एग्ज़ाम से एक दिन पहले ये क्या कर रहा है, अपनी बुक्स वापस मांग रहा है, तो क्या बी उसे वापस करेगा, नहीं, क्योंकि कल तो एग्ज़ाम्स है, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम्स के लिए उसने बुक्स ली है, एग्ज़ाम के एक दिन पहले वो वापस कर देगा तो उसे फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे वो गुड्स को वापस नहीं करेगा। पॉइंट क्लियर है। अगर गुड्स ग्रेटुइटसली दी जाती हैं तो बेलर कभी भी उसे डिमांड कर सकता है, पर अगर बेलर के डिमांड करने से बेली को फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा हो रहा है तो वो उसे वापस नहीं करेगा, ठीक है। राइट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट रॉन्ग डूअर। अगर बेली कोई गलत काम करता है, ठीक है, कोई गलत काम करता है जिससे बेलर को बहुत ज़्यादा लॉस हो सकती है, तो बेलर उस रॉन्ग डूअर के लिए क्या कर सकता है, उसके अगेंस्ट केस भी कर सकता है। पॉइंट क्लियर है, ठीक है जी। या किसी थर्ड पार्टी की वजह से कोई लॉस होती है तो बेलर उसे स्यू कर सकता है। जैसे यहाँ पे केस है कि ए ने 100 बैग्स ऑफ शुगर क्या किया, बी को सप्लाई किए। बी कौन है, बी एक गोडाउन कीपर है, उसको 100 बैग्स ऑफ शुगर सप्लाई किए, ठीक है। अब सी ने क्या किया, बाय फ्रॉड एक स्लिप तैयार की है, डिलीवरी स्लिप तैयार की है, और तैयार करके वो बी के पास गया।
बी ने उसे 10 बैग्स डिलीवर कर दिए जो कि स्लिप में मेंशन थे। ठीक है, अब बी ने तो गुड फेथ में किए, बी को पता नहीं था, तो उस केस में ए जो है वो क्या कर सकता है, सी से डैमेजेस क्लेम कर सकता है। पॉइंट क्लियर? तो अगर कोई रॉन्ग एक्ट किया जाता है तो वो उसको स्यू भी कर सकता है। ठीक है, तो ये थे राइट्स ऑफ अ बेलर। अब हम करेंगे ड्यूटीज ऑफ बेलर। ड्यूटीज ऑफ बेलर में है सबसे पहले ड्यूटी टू डिस्क्लोज द नॉन फैक्ट। ठीक है, बेलर की ड्यूटी बनती है कि जो उसको पता है डिफेक्ट्स वो जरूर बेली को पता है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं ग्रेटिट्यूड्स के केस में। ठीक है, उसने जो उसको नॉन है, नॉन डिफेक्ट्स तो उसने बताने ही बताने हैं। अगर नॉन डिफेक्ट वो नहीं बताता, देन अगर बेली को किसी तरह का लॉस होता है तो कौन लाइबल होगा? बेलर लाइबल होगा। क्यों लाइबल होगा? क्योंकि उसको पता था, इवन देन उसने डिफेक्ट्स नहीं बताए। बट अगर ग्रेटिट्यूड्स के केस में अननोन डिफेक्ट है, उसे नहीं पता था, उसकी वजह से बेली को किसी तरह का लॉस होता है, तो बेलर जो है वो लाइबल नहीं होगा, ही विल नॉट लाइबल फॉर दैट। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉन ग्रेटिट्यूड्स की। नॉन ग्रेटिट्यूड्स में चाहे डिफेक्ट नोन है चाहे अननोन है, जो है अगर किसी तरह की बेली को लॉस होती है तो उस केस में बेलर लाइबल ही होगा। पॉइंट समझ आ गया? यहाँ पे अननोन के केस में वो बच सकता है क्योंकि वो कौन सा कंसिडरेशन ले रहा है, बट नॉन ग्रेटिट्यूड के केस में वो नहीं बच सकता। ठीक है जी, यहाँ पे ए ने हॉर्स दिया बी को, उसको पता भी था कि ये हॉर्स जो है विशियस टू बी है, इवन देन उसने बी को हॉर्स दे दिया राइडिंग के लिए। अब उससे बी क्या हो गया, हॉर्स रन अवे, बी जो है इंजर्ड हो गया, तो यहाँ पे वो लाइबल होगा क्योंकि डिफेक्ट उसका नोन था। ठीक है, अगर अननोन होता तो वो बच सकता था। तो यहाँ पे है कि ए ने क्या दिया, हायर फॉर कैरेज टू बी दिया, कैरेज जो था बी के लिए अनसेफ था। ठीक है, अब ए को पता नहीं था कि वो अनसेफ है, इवन देन बी को अगर किसी तरह की इंजरी होती है तो ए जो है वो लाइबल होगा इन केस ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूड्स। ठीक है, ड्यूटी टू बियर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसिस ऑफ बेलमेंट। ठीक है, बेलमेंट ग्रेटिट्यूड्स है तो बेली रेमुनरेशन लेगा, बेली को तो कुछ नहीं मिल रहा ना। ठीक है, तो बेलमेंट अगर ग्रेटिट्यूड्स है चाहे नॉन ग्रेटिट्यूड्स है, जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस होंगे बेलमेंट के, बेलर बियर करेगा। ठीक है, जैसे ए ने हॉर्स दिया बी को राइडिंग के लिए दिया है, ठीक है, विदाउट एनी पेमेंट दिया है या विद पेमेंट दिया है, अब हॉर्स जो है सिक हो गया, बी ने उसकी ट्रीटमेंट करवाई, ट्रीटमेंट करवाने पे उसका 5000 एक्सपेंस आ गया, तो कौन बेयर करेगा? ए बेयर करेगा। ठीक है जी, तो इसकी ड्यूटी बनती है बेलर की कि कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस है तो वो खुद बेयर करेगा। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई बेली। ठीक है, बेली को किसी तरह की लॉस होती है तो कौन पूरी करेगा? बेली की लॉस को बेलर इंडेमनीफाई करेगा। इंडेमनीफाई करना, पूरा करना। ठीक है जी, लॉस को कवर करना। अब हुआ क्या, यहाँ पे ए बेलर है, ए ने क्या किया, बी का मोटरसाइकिल सी को दे दिया। सी यहाँ पे क्या है, बेली है। बी को पता नहीं है, बी का मोटरसाइकिल ए ने सी को दे दिया। ठीक है, अब बी ने सी को स्यू कर दिया, स्यू करके इससे कंपनसेशन लिया, तो यहाँ पे बेली, यहाँ पे बेलर की ड्यूटी बनती है कि वो बेली को इंडेमनीफाई करे, क्योंकि ए की वजह से सी को लॉस हुआ है तो सी क्या कर सकता है, ए से अपनी लॉस कंपनसेट करवा सकता है। ठीक है जी, ड्यूटी टू रिसीव बैक द गुड्स। उसकी ड्यूटी बनती है कि वो गुड्स को वापस ले जब वो पर्पस पूरा हो गया। ठीक है ना, जैसे एक्स ने सूट स्टिच करने के लिए टेलर को दिया, सूट स्टिच करने के लिए 1 वीक लगना है, अब 1 वीक बाद इसकी ड्यूटी बनती है कि वो जाके वहाँ से सूट वापस लेके आए, रिसीव बैक द गुड्स। ठीक है ना, टेलर नहीं देने आएगा, तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द बेलर कि जब पर्पस पूरा हो गया तो गुड्स को।
ड्यूटी टू बियर नॉर्मल रिस्क, उसकी ड्यूटी बनती है कि जो भी नॉर्मल लॉस है, डिटायरेशन है, डिस्ट्रक्शन है, उसको वो बियर करे। किसकी ड्यूटी बनती है? बेलर की ड्यूटी बनती है। हाँ जी, ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू।